हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट क्रीम फार्मूला। जो मेरा डेली शेड्यूल है ना, उसमें जो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ वो आज जिस नाइट क्रीम का बताऊँगी, और कल जो मैं बाकी मास्क वगैरह या क्लिनजिंग क्या यूज़ करती हूँ क्या नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता से वो भी आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो आज जस्ट मैं नाइट क्रीम ही लेके आई हूँ, तो आप लोग इसका बनवाएं। मैं आप लोग को पहले क्लियर कर दूँ कि मेरी स्किन ना इतनी ऑयली है ना ड्राई, नॉर्मल स्किन है, और अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरा कोई पिंपल वगैरह ऐसा मुझे कोई शिकायत नहीं है, और ना ही मुझे ऐसे कोई ऑयली वगैरह चीज़ें खाने से ना ऐसे कुछ गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है ना पिंपल्स वगैरह, तो मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल सॉफ्ट सी मेरी स्किन है, तो मुझे तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल सूट है क्रीम, और इसका अच्छा रिजल्ट भी है। आपकी स्किन ब्राइट रहती है, डल नहीं होती, डार्क सर्कल वगैरह जिनका ये इशू होता है ना वो भी अक्सर हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो आपने कौन कौन सी क्रीम्स लेनी है आप पहले उसको लिख लें, उसके बाद मैं आपको बताती जाऊँगी कि इसे कैसे यूज़ करना है वो थोड़ा सा आगे बताती हूँ। पहले आप कॉपी पेंसिल उठा लें और सारी क्रीम्स की जो नेम है ना वो लिख लें। तो सबसे पहले इसमें जो मैं क्रीम ऐड करने लगी हूँ ना वो है मेडिकेम ब्लीच क्रीम। ये स्किन वाइटनिंग क्रीम है, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेडिकेम की एक और क्रीम है, उस पर ब्लीच क्रीम नहीं लिखा होता, तो आप गलती से कहीं वो ना ले लें। यही आप लेना जिसके ऊपर ब्लीच क्रीम लिखा हो, और इसकी जो पैकिंग है इसको भी आप गौर से देख लें इसी तरह से हो। नेक्स्ट वन मैं डाल रही हूँ वो है स्टिलमेंस ब्लीच क्रीम, और ये भी स्किन ब्लीच क्रीम है, आपने यही लेनी है। और आप देख सकते हो इसकी पैकिंग कैसे है, तो उसके कलर्स से भी आपको आइडिया हो जाएगा, तो कोई और ना लेना इसी ग्रीन कलर में, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट है वो गोल्डन पर्ल क्रीम जो है वो ऐड करने वाली हूँ। तो एक ये भी क्लियर मैं कर दूँ कि कुछ लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते ना इतनी क्रीम्स का मिक्स करके लगाएं, तो ये खाली गोल्डन पर भी आप लगाएंगे ना तो इसका भी अच्छा रिजल्ट होता है। इसमें डाली हूँ वो है फेयर एंड लवली, और इसकी मैं एक और बात कर दूँ कि अगर ये जैसे मैं ब्राइडो दिखाने वाली हूँ ना 5 in 1 X, अगर उस पैकिंग में मिल जाए तो पूरी डाल देना, अगर आपके पास ऐसा जार हो तो फुल ना डालना, आप इसको हाफ ही इसमें ऐड करना। साथ साथ आप लिखते जाएँ, फिर मैं इसको बाद में मिक्स करती हूँ। इसमें अब मैं जो डाल रही हूँ वो है योको वाइटनिंग क्रीम। तो ये योको है ना, इसकी काफ़ी क्रीम्स हैं, तो जिसपे ये दो गर्ल्स की फेस हो ना आप वही वाली लेना। के बाद ये देखिए, ये भी योको की है, लेकिन देखिए कलर, ये भी वाइटनिंग क्रीम है लेकिन रेड कलर में है। इसके ऊपर जो गर्ल की पिक बनी हुई है ना उसको भी आप गौर से देखें, इसी में लेना। बिकॉज जब हम शॉप पे जाते हैं ना उनके पास क्रीम ना हो तो बोलते हैं नहीं आजकल इसके बादल ये आ गई है आप ये ले लो ये ले लो, ऐसे नहीं है, इन्हीं क्रीम्स का रिजल्ट है। तो आप जिसके ऊपर जो फेस बना है आपने सेम ऐसी ही लेनी है। ये है मीना, और इसके बाद जो है वो डॉक्टर जेम्स है। तो एक फिर मैं क्लियर करती जाऊँ कि ये डॉक्टर जेम्स भी कितनी मार्केट में आई हुई है, लेकिन जिससे ये जो ब्लैक कलर की दो गर्ल्स की पिक लगी हुई है ना आपने सेम ये लेनी है और कोई नहीं लेनी। तो ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी नेम तो लिख दूँगी, लेकिन आप जब तक इनकी जो शक्ल है ना जो जिसके ऊपर फेस पर चीज़ बनी हुई है सेम वैसे ही लेना, बिकॉज इसी नेम से काफ़ी क्रीम्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके नेम ज़रूर लिख दूंगी, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कि एक ही नेम से काफ़ी क्रीम्स होती हैं। इनकी आपने जो फेस के ऊपर जो शक्लें बनी हुई ना आपने उसी को देखकर ये क्रीमें लेनी हैं। तो बिकॉज़ ये जितनी छोटी क्रीमें होती हैं इनका रिज़ल्ट ज़्यादा होता है, आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा फाइंड करने में, लेकिन आपने यही सेम लेके आनी है। और इसको आप नाइट में यूज़ करें, फेस पर लगा सकते हैं आप, अपने हैंड्स पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी अगर ये एक ही क्रीम आप डालेंगे ना तो आपकी एक मंथ अगर फेस पे यूज़ करेंगे तो आपके 2-3 मंथ ये आराम से गुजर जाएंगे, लेकिन अगर आपने हैंड्स वगैरह पे भी यूज़ करनी है तो फिर भी हाँ 2 मंथ आपके गुजर ही जाएंगे इससे। तो इस तरह से ये आप नाइट क्रीम को पहले अपने फेस को वॉश करके ना तो लगाएं। विंटर में ज़्यादा ठीक रहती है, अगर आपके घर में एसी वगैरह है तो आप लगा लें, अगर नहीं तो फिर जाहिर सी बात है पसीना आएगा ना जब क्रीम लगाने के बाद, तो फिर वैसे एलर्जी होती है इंसान को। इसलिए मैं बोल रही हूँ ठंडी ठंडी जगह हो ना ये फेस को पहले अच्छी तरह से वॉश करके क्लिनजिंग करके फिर लगाएँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो पसीने की वजह से एलर्जी हो सकती है, तो इस बात को कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज गर्मी है पाकिस्तान में, सबको पता है कितनी ज़्यादा पड़ रही है। खैर अगर एसी में है तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन अगर नहीं तो अगर कुछ एलर्जी वगैरह महसूस हो तो घबराइएगा नहीं, वो जस्ट पसीना उतरता है ना उस वजह से होगी, अदरवाइज़ विंटर में लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वाइटनिंग कैप्सूल में लाना भूल गई थी, सॉरी, तो आप लाजमी लेके आना 2 वाइटनिंग कैप्सूल भी इसमें ऐड कर देना। तो इसी तरह से आप किसी भी जार में इसको रख के ना बना के रख लें और फ्रिज में रख दें नीचे वाले खाने में,
तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, और आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं एंड। और जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आप लोग को बताऊँगी कौन सी ब्लीच बेस्ट है, और क्लिंजर कौन सा स्क्रब और कौन सा मास्क है जो हमें डेली यूज़ करना चाहिए, छोटे बच्चे भी उसको कर सकते हैं। सो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मेरे चैनल में वेलकम, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।